बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतालब अल फुरकान, सूरतुल अंबिया नंबर 21, मक्की। कुरान मजीद की तफसीर खुद कुरान मजीद से अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब, अखज़ो तलखीस मोहम्मद अकबर दीक्षित भारद्वाज, नजरसानी डॉक्टर इनामुल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, मेरी तमाम तर कोशिशों का मकसद रुबूबियत आम्मा के लिए तेरी सिफात को बांदाज रहमानियत और रहीमियत माशरे के अंदर जहूर में लाना है। आयत नंबर 83। وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ। और इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम का मामला भी याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा और कहा कि खुदाया, मैं सख्त तकलीफ में पड़ गया हूँ और जिससे निजात हासिल करने के लिए तेरी रहमत की जरूरत है। जाहिर है कि तुझसे बढ़कर समाने रुबूबियत तो रहमत अदा करने वाला और कोई नहीं है। सूरह 38 आयत नंबर 41। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिजाम नहीं हुआ था बल्कि सांप ने काट लिया था। इस आयत से मालूम हो रहा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी तकलीफ में मुब्तला हो गए थे और ये जिस्मानी तकलीफ थी। किस्सा अय्यूब अलैहिस्सलाम की आयत से मालूम होता है कि आप सफर में थे कि साथियों से बिछड़ गए। आज भी अगर कोई सहरा में बिछड़ जाए तो वो चलते चलते ही मर जाता है। कुरान कहता है कि बेनुसुबिन व अजाबिन, सूरह 38 आयत नंबर 41। ये तकलीफ नुसुबिन की वजह से थी। नुसुब लफ्ज का मादा है नून फाद बे और मानी है थक जाना, आजजो दरमांदा रह जाना। नसबो के मानी है मुशक्कत, थकन, कोफत और आईशो नासिबो के मानी है ऐसी जिंदगी जिसमें मशक्कत हो। नीज मानी है बीमारी, मुजरत, मशक्कत, इब्तला, आजमाइश। हुआ ये था कि वो एक सफर में बड़ी मुसीबतों में मुब्तला हो गए थे। परेशानी आपकी उस वक्त खत्म हुई जब बिछड़े साथी मिल गए, सूरह 38 आयत नंबर 43। और फिर रास्ता ऐसा मिला कि और आबादियां भी मिल गईं। लेकिन बिछड़ने के दौरान सफर में क्या हुआ था? मस्सा ने यशन बे नसमी व आजाबन, सूरह 38 आयत नंबर 41। ऐसा हुआ कि सफर की थकान थी, प्यास की शिद्दत से निढाल थे। इस पर उसे शैतान ने छू लिया और इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मसायब तकालीफ ने घेर लिया। जेरे गौर आयत में अल्फाज हैं मस्सनी यज़ुर्रो, सूरह 21 आयत नंबर 83। अब देखना यह है कि ये अज़ुर्रो क्या है। दूसरे मकाम पर कुरान ने कहा मस्सनी यज़ुर्रो बेनस्बिन व अज़ाबो, सूरह 38 आयत नंबर 41। यानी ये नुसब और अजाब मसा ने यज़ुर्रो की वजह से था। मस्सा ने यह शैतान के मानी ये नहीं है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शैतान ने छू लिया था। शैतान ने छू लिया से तो फिर मराद ये होगा कि शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर गलबा हासिल कर लिया था। कुरान के मुताबिक शैतान तो आम मुखलिस बंदों को भी नहीं छू सकता, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तो नबी थे, वो आपको शैतान किस तरह छू सकता था? दरअसल लफ्ज शैतान का तर्जमा दुरुस्त करने की जरूरत है। अरबों के यहाँ शैतान एक किस्म का फनियर सांप होता है, इसको शैतान कहते हैं। फनियर सांप की शक्ल का एक पौधा शजर जकूम भी होता है जिसको नागफनी थोहर का पौधा कहते हैं, जो बदबूदार और कड़वा होता है। इस किस्म के दरख्त को अरबी जुबान में शैतान कहते हैं और शैतान के मानी फनदार सांप के भी होते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले ही प्यासे और थके हुए थे, अब सांप ने भी डस लिया। सांप के काटने के बाद इंसान को शदीद प्यास लगती है, रास्ता मिल नहीं रहा था और तकलीफ ज्यादा थी, लिहाजा खुदा से फरियाद की। खुदा ने चश्मे की तरफ रहनुमाई की और कहा उर्कुज बेरिज लेका, सूरह 38 आयत नंबर 42। तुम सांप काटे पाँव को पानी में रख कर हिलाओ, हरकत दो तो पाँव की हिद्दत खत्म हो जाएगी। खुदा की बताई हुई जड़ी बूटियों के इलाज से और चश्मे की तरफ रहनुमाई से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतियाब हो गए। इब्तदाई दौर में खुदा तबई चीजों के बारे में भी वही के जरिए रहनुमाई दिया करता था। मसलन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का इलम वही के जरिए दिया गया था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतलक किस्सा तो ये है, लेकिन दास्तान गोओं ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम में जजाम पैदा कर दिया, जिस्म में कीड़े पैदा कर दिए और ना जाने और क्या क्या किया। आयत नंबर 84। فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين।
चुनांचे हमने उसकी पुकार सुन ली और उसकी तकलीफ रफा कर दी और उसके बिछड़े हुए साथी भी उसको मिल गए, बल्कि उन साथियों जैसे और लोग भी मिल गए। ये कुछ हमारी तरफ से मरहमत हुआ। इस वाक्या में भी उन लोगों के लिए सामान्य मौजज़त है जो हमारे कानून की अताअत करते हैं। आयत नंबर 85। وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين اور اسی طرح کے انبیاء اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذی الکفل تھے جن پر ہم نے فضل کیا، یہ بھی حق کی دعوت میں جم کر کھڑے رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذی الکفل کی کوئی تفصیل قرآن کریم نے نہیں دی ہے۔ آیت نمبر 86۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا، یقیناً یہ سب صالحین کے زمرے میں شامل تھے۔ آیت نمبر 87۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اور اسی طرح ذوالنون یونس علیہ السلام کا معاملہ ہے، جب وہ اپنی قوم سے تنگ آ کر غصہ میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قوم کو چھوڑ دینے پر ہم اس سے مواخذہ نہیں کریں گے، پھر جب وہ مشکلات میں گھر گیا تو اس نے ہمیں پکارا اور کہا کہ بارِ الٰہ تیرے سوا اور کسی کا اقتدار و اختیار نہیں جو مجھے ان مشکلات سے نجات دلا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا فیصلہ ہی ایسا ہوتا ہے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہوتا ہے۔ سورہ 37 آیت نمبر 139، سورہ 68 آیت نمبر 48۔ میں نے جو فیصلہ کرنے میں عجلت کی اور تیرے حکم کا انتظار نہ کیا تو یہ میری طرف سے بڑی زیادتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اجتہادی غلطی۔ ذوالنون مچھلی والا، ذوالنون کا نام یونس علیہ السلام بھی تھا اور آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ نون اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں، نام یونس علیہ السلام ہے، حوت اور نون ان کا لقب ہے۔ ہجرت کا فیصلہ نبی کا اپنا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہوتا ہے، مگر حضرت یونس علیہ السلام یہ فیصلہ خود ہی کر کے ہجرت کر گئے۔ قوم ایمان لے آئی اور ان پر آنے والا عذاب ٹل گیا جس کا یونس علیہ السلام کو علم نہ تھا، لیکن ہجرت کا فیصلہ انہوں نے سرکشی کے ارادے سے نہیں کیا تھا۔ اگر نبی کو کہا جائے کہ اس جگہ پر رہو اور وہ جگہ چھوڑ جائے، یا کہا جائے کہ ہجرت کر جاؤ اور وہ ہجرت نہ کرے، تو یہ دونوں صورتیں جرم یا گناہ ہوگا۔ نبی کبھی گناہ معصیت نہیں کرتا، البتہ اس قسم کی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہجرت کے وقت ان کا خیال تھا کہ قوم کے اندر ٹھہرے رہنے کا تو خدا کا کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے ہجرت کر جانا خدا کی معصیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں دیکھا کہ میں حج کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خدا کی طرف سے اشارہ سمجھ لیا اور عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ قریش نے عمرہ نہ کرنے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر کے بغیر عمرہ کیے واپس ہوئے۔ یہ بھی اجتہادی غلطی تھی۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی تدبیر میں اجتہادی غلطی کرتا ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 88۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ پس ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم لوگوں کو غم و حزن سے نجات دیتے ہیں جو ہمارے قوانین کی صداقت و محکمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا معاملہ بھی یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے نشو نما دینے والے، تو مجھے اس دنیا میں بغیر وارث کے تنہا نہ چھوڑ، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ تو ہی ہم سب کا بہترین وارث ہے۔ سورہ 3 آیت نمبر 38، سورہ 19 آیات 5-7۔ آیت نمبر 90۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
हमने जिक्रिया अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली और उसकी बीवी में औलाद पैदा करने की सलाहियत पैदा करके उसे यहिया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता कर दिया। तमाम अंबिया यकीनन नौए इंसानी के भलाई के कामों में निहायत तेजी से आगे बढ़ते थे और उम्मीदों यास दोनों हालतों में वो हमारे कवानीन को पेशे निगाह रखते थे और हमारे ही अहकाम के सामने झुकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कवानीन खुदाबंदी के खिलाफ कदम उठाने में किस कदर खतरात पिन्हा हैं। वो उनकी खिलाफ वर्जी से हमेशा वो तरसा रहते थे। नुक्स हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम में नहीं उसकी बीवी में था। असलहना लहू सूरह 21 आयत नंबर 9। यहाँ लहू ने सारी बात वाजे कर दी कि नुक्स हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम में नहीं बल्कि उसकी बीवी में था। इलाज से नुक्स दूर हो गया और औलाद पैदा करने की बीवी में सलाहियत पैदा हो गयी। यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि मियाँ और बीवी दोनों में औलाद पैदा करने की सलाहियत का होना जरूरी है। अगर एक या दोनों में नुक्स होगा तो औलाद पैदा नहीं होगी। खुदा की मुतलक कुदरत ऐसी अजीम है कि कायनात को अदम से बगैर किसी साबिका तबई मसाला के बगैर किसी सबब काज के वजूद में ले आया है, लेकिन कायनात को वजूद में लाने के बाद जो कवानीन उसने बना दिए है वो खुद भी उन कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वो तो खुद कहता है कि मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा जबकि मेरी तो बीवी नहीं है। कहा जा सकता है कि वो इतनी बड़ी कायनात को वजूद में लाया है तो उसके लिए क्या मुश्किल थी कि उसके यहाँ बीवी के बगैर बेटा भी हो जाता। वो कह ही रहा है कि कायनात को वजूद में लाने के बाद औलाद पैदा करने के लिए मैंने कानून बना दिया है कि मर्द और औरत जिनमें औलाद पैदा करने की सलाहियत होगी उनके इख्तलात से औलाद पैदा होगी। अगर मेरे मुतल्लिक लोगों का ख्याल है कि मैं फलां का बाप हूँ तो अकेले बाप से तो औलाद पैदा नहीं हो सकती, यानी औरत को मर्द की और मर्द को औरत की जरूरत है। अब इससे मामले को जरा उल्टा दीजिए। हजरत मरियम के मामले में अगर मर्द नहीं है तो औलाद कैसे पैदा होगी? आयत नंबर 91। أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين। और उस पाक दामन खातून हजरत मरियम का मामला भी याद करो जिसने अपने अंदेशों की जगह की हिफाजत की तो शादी के बाद हमने उसे ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया। उसके पेट ही में बच्चे के अंदर हर इंसानी बच्चे की तरह हमने अपनी तवानाई का शम्मा डाला तो ईसा अलैहिस्सलाम साहिब इख्तियार इरादा बन गया। सूरह 3 आयत नंबर 44, सूरह 19 आयत नंबर 16, सूरह 32 आयत नंबर 9। और उसको दुनिया वालों के लिए एक निशानी बनाया कि खुदा की शरीयत ने उन्हें मुकर्रब व मकबूल ठहराया और यहूदियों की खुद साख्ता शरीयत ने माअज़ल्लाह उनको मर्दूदों मलऊन करार दिया। हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुलाहिज़ा फरमाएं सूरह मरियम की आयत नंबर 15 ता 37 के तहत। आयत नंबर 92। ऐ रसूल, ये तुम अंबिया का ग्रोह शुरू से आकर तक एक ही जमायत थी। हमने रसूलों से कहा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा नशवो नुमा देने वाला हूँ, लिहाजा तुम सिर्फ मेरी ही अतात इख्तियार करो। वा अना रब्बुकुम फाबुदून सूरह 21 आयत नंबर 92। अंबिया इकराम का एक उम्मत वाहिदा बनने का सबब ये था कि वो खुदा के बताए हुए एक वाहिद कानून का इत्तबा करते थे। एक कौम की तश्कील के लिए ये है मयार जो कुरान ने बताया है। ये अलग अलग फिकाओ कानून मुसलमानों को उम्मत वाहिदा नहीं बनने देते। उम्मत वाहिदा तो बनती है सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून का इत्तबा करने से। आयत नंबर 93। फिर हुआ यूं कि उम्मतों ने बाहमी इख्तलाफ की वजह से उम्मत की वहदत को पारा पारा कर दिया और भूल गए कि उन सबको बिलाकर हमारे ही कानून मुकाफात की तरफ लौट कर आना है। आयत नंबर 94। कामयाबी के लिए उसूल ये है कि जो कोई भी ज़ाब्ता खुदाबंदी की सदाकत पर ईमान रखे और उसकी मुतय्यन करदा सलाहियत बख्श प्रोग्राम पर अमल पैरा रहे तो उसकी सही अमल नाकाम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा कानून मुकाफात हर एक की सही अमल को महफूज रखता है। आयत नंबर 95। وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون।
जिस कौम की मुद्दत अमल का वक्फा जात की नशवोनुमा किए बगैर खत्म हो जाए तो वो तबाह होकर जिंदगी की शादाबियों से महरूम रह जाती है और फिर लौटकर मरफा उल हाली की तरफ नहीं आ सकती। सूरह 17 आयत नंबर 58। आयत नंबर 96। إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون مرفع الحالی کی ایک شکل یہ ہے کہ جب قوت و شوکت کی مالت تیز خرام قومیں یاجوج و ماجوج اپنے ملکوں سے نکل کر ان پسماندہ اقوام کے ملکوں میں ڈیرے ڈال دیں۔ سورہ 18 آیت نمبر 94۔ تو کچھ عرصہ کے بعد رد عمل کے طور پر ان کمزور قوموں میں بھی زندگی کی حرارت ابھر آتی ہے اور وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں تو انہیں دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی حقیقت اور پسماندہ اقوام کا اٹھنا، ان دونوں الفاظ کا مادہ الف جیم جیم ہے اور معنی ہوتے ہیں آگ کی طرح شعلہ مزاج، شعلہ صرف بھڑک اٹھنے والے، جنگجو، سرکش۔ تو گویا قرآن نے دو اقوام کا ذکر ان کے نام کی بجائے صفات کے ساتھ کیا ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ وسط ایشیا میں منگولیا کے علاقے میں بسنے والی قومیں تھی جن کو تاتاری بھی کہا جاتا ہے، منگول بھی کہا جاتا ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خان ان قبائل سے متعلق تھے، ان کے علاقے زرخیز نہیں تھے، اس لیے ان کی گزر بسر لوٹ مار کے مال پر تھی۔ یاجوج و ماجوج برق رفتار آندھی کی طرح امٹ آنے والے جنگجو سرکش قبائل تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہی قبائل تھے جو وسط ایشیا سے آیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے یاجوج و ماجوج تو بڑے بھولے تھے، لوٹ مار کر کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ دوسرے آج کے یاجوج و ماجوج ہیں جو اپنے اپنے ہاں سے اٹھ کر دوسرے دور دراز مقامات میں جا کے جہاں غریب، کمزور اور ناتواں قومیں ہوں وہاں جا کے قبضہ کر کے کالونیاں بنا لیتے ہیں۔ وہ غیر مہذب قبائل تو لوٹ چھوٹ کے بعد چلے جاتے تھے، لیکن آج کی مہذب اقوام تو ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ ہمارے دور کے یہ یاجوج و ماجوج از حد خطرناک ہیں۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ جو قومیں کبھی ایک دفعہ یاجوج و ماجوج سے دب جائیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا یہ استحصال اور استبداد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے خلاف ان اقوام میں ایک رد عمل ابھرتا ہے، اور اس رد عمل کے طور پر ان اقوام میں آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان قوموں کے اندر ان کے استبداد کے رد عمل کے طور پر ان کے خون میں جوش آتا ہے تو وہاں کوئی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتا ہے۔ ترکی میں مثال سامنے ہے کہ جب مغرب کا استحصال حد سے بڑھا تو قوم میں اضطراب پیدا ہوا اور جناب اتاترک نے قوم کو حیات تازہ بخش دی۔ قرآن نے یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ وہ پسماندہ قومیں جن میں شرر زندگی ابھی باقی ہو تو یاجوج و ماجوج قسم کی قومیں وہاں جاتی ہیں، وہ وہاں ظلم و استبداد کرتی ہیں۔ شروع شروع میں تو حکمران کی ساحری ان کو سلا دیتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ رد عمل کے طور پر ان کے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے اور وہاں کوئی ان کے اندر ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے جو ان کے طلسم کو توڑ دے۔ تو اس طریق سے اس قوم کو نشاط ثانیہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر قوم کی زندگی میں شرارہ نہ رہے تو پھر اس قوم کے اٹھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کا اٹھ کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ آگ کی طرح شعلہ مزاج، شعلہ سے بھڑک اٹھنے والے جنگجو سرکش تو قیامت تک اٹھ کے پسماندہ اقوام کو دبوچتے رہیں گے اور ان کے خلاف قیامت تک رد عمل بھی ابھرتا رہے گا۔ آیت نمبر 97۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ ٹھوس تعمیری نتائج کا حامل حقیقی انقلاب قریب آ لگا ہے۔ انقلاب کے اچانک نمودار ہونے پر ان لوگوں کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے ہمارے قانون کی صداقت سے انکار کیا۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ افسوس ہم پر، ہم اس آنے والے انقلاب سے بے خبر رہے اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ٹھوس تعمیری نتائج کا حامل حقیقی انقلاب اسی دنیا میں آیا کرتا ہے۔ الحق کو سورہ 21 آیت نمبر 97۔ اس لفظ کے بنیادی معنی کے اعتبار سے ایسا واقعہ یا ایسا معاملہ جو محض ذہنی نہ ہو بلکہ حقیقتاً ٹھوس حالت میں ابھر اور نکھر کر سامنے آ جائے، یعنی وہ چیز جو یہاں اسی دنیا میں ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔ کہا کہ تمہارے اعمال کے نتائج سے متعلق جو وارننگ تنبیہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اس کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تنبیہ کا تعلق مدنی دور سے متعلق ہے، خواہ اس کا آغاز جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624
ईस्वी से हो, खावो आखिर में जाकर जंग तबूक रजब 9 हिजरी मुताबिक नवंबर सन 635 ईस्वी तक पहुंचे। लेकिन बताया ये है कि वो इनकलाब यानी टकराव करीब आ रहा है। कहा कि जब तुम जंग में टकराओगे तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जंगे बदर 13 मार्च सन 624 ईस्वी और जंगे हुनैन और जंगे खैबर में यह हकीकत सच बनकर ठोस शक्ल में सामने आ गई थी। हजरत अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम आते तो उन लोगों को उनके गलत निजाम के तबाहकुन नताइज से आगाह करते थे और साथ ही बताते थे कि अपने निजाम को कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक तश्कील कर लो, न सिर्फ तबाही से बच जाओगे बल्कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत की जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। आसमानी इनकलाब से असल मकसद इंसान की जात की सलाहियतों की नशो नुमा होता है और ये नशो नुमा सिर्फ एक इज्तमाई निजाम में ही हो सकती है। इनफरादी जिंदगी बसर करने से जात की नशो नुमा नहीं होती। सही इज्तमाई निजाम में जरूरियात जिंदगी खुद मयसर आती रहती हैं। ये भी मुमकिन था कि इसी मकाम पर निजाम की तश्कील हो जाए जहाँ से नबी अपनी दावत की इब्तदा करता था। अगर हालात साजगार न होते तो खुदा के हुक्म से नबी वहाँ से किसी साजगार जगह की तरफ हिजरत कर जाता था। कुरान ने अम्बिया इकराम के जितने वाकयात बयान किए हैं वो इसीलिए बयान किए हैं कि निजाम के नताइज इसी दुनिया में नमूदार होते हैं। खुदा का तो फरमान था कि मेरी रहनुमाई के मुताबिक जो जिंदगी बसर करेगा उसको इसी दुनिया में न किसी किस्म का खौफ होता है और न हुज़्न। सूरह 2 आयत नंबर 38। और मेरी रहनुमाई की खिलाफ वर्जी करोगे तो तबाहो बर्बाद हो जाओगे। खुदा ने बात इसी दुनिया की है, ये दूसरी बात है कि जिंदगी इस दुनिया के आखिरत तक मुसलसल चलती है। आयत नंबर 98। إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون। दुनिया और आखिरत में उनसे कहा जाएगा कि आप तुम और तुम्हारे वो अरबाब इक्तदार जिनकी तुम आदात किया करते थे सबके सब तबाह कर देने वाले आतशी अजाब का ईंधन बनोगे। तुम लाजमन इसमें दाखिल होकर रहोगे। बातिल आमाल ही जहन्नम का ईंधन होंगे जिन्हें इंसान अपने साथ लेकर जाएगा। इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह हसब जहन्नमा। सूरह 21 आयत नंबर 98। आमतौर पर तर्जमा किया जाता है कि तुम और तुम्हारे माबूद यानी तुम और तुम्हारे बुत जहन्नम के अंदर जाएंगे और जहन्नम भी मरने के बाद का मुराद लिया जाता है और माबूद के मानी हो गए बुतों की परस्तिश करना। अब सवाल पैदा हुआ कि वो पत्थर जो जंगल में पड़ा हुआ था उसको उठाकर तुम लाए, तराशा तुमने, मंदिर में रखा तुमने, खुद ही उसके सामने झुके। ये बेचारा ना तो खुद बुत बना, ना खुद उसने कहा कि मेरी परस्तिश करो, ना उसने उनके झुकने को ही देखा, तो आप क्यों जहन्नम में फेंका जा रहा है? मजहब ने कह दिया कि उनको इसलिए जहन्नम में फेंका जाएगा कि ये परस्तिश करने वालों को मालूम हो जाए कि वो कितने बेबस हैं। दुनिया का जहन्नम तो मजहब के जहन में आ ही नहीं सकता। दुनिया के जहन्नम जंग को सामने रखा जाए तो हकीकी मफहूम ये होगा कि तुम और तुम्हारे वो अरबाब इक्तदार जिनकी तुम कवानीन खुदाबंदी को छोड़कर अताअत किया करते थे वो सब के सब इसी दुनिया में तबाह कर देने वाले आतिशी अजाब जंग का ईंधन होंगे। और अगर उखरवी जहन्नम मराद लिया जाए तो मफहूम होगा तुम और तुम्हारे वो अरबाब इक्तदार जिनकी तुम कवानीन खुदाबंदी को छोड़कर अताअत किया करते थे वो सब के सब तबाह कर देने वाले आतिशी अजाब का ईंधन होंगे। कुरान ने यहाँ हसब जहन्नमा सूरह 21 आयत नंबर 98 जहन्नम का ईंधन के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी उसके शोले कहीं बाहर से नहीं आते, खुद तुम्हारे अपने आमाल ही शोले बन जाते हैं। तुम खुद ही इस आग को जलाते हो और खुद ही उसमें जलकर राख हो जाते हो। जहन्नम का ये तस्वर किसी इंसान के जहन में नहीं आ सकता। इंसानी तस्वर तो यह है कि एक बहुत बड़ा गड़ा है, उसके अंदर पहले से आग हजारों लाखों और करोड़ों साल से जलाई जा रही है, इसको तंदूर की तरह तपाया जा रहा है और फिर इस आग के अंदर फेंका जाएगा। कुरान के अल्फाज हसब जहन्नमा सूरह 21 आयत नंबर 98 ने ये सारा तस्वर ही बदल दिया। कुरान कहता है कि जहन्नम वो है जिसमें इंसानों के अपने आमाल भड़क कर इसका ईंधन बनते हैं। कुरान के अल्फाज में बता दिया कि ईंधन कहीं बाहर से नहीं आता। जहन्नम की आग के बारे में कुरान ने यूं तशरीह की कि यह खुदा के कानून मुकाफात की भड़काई हुई आग है जिसके शोले दिलों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। सूरह 104 आयत नंबर 6-7। यानी ये वो आग है जिसके शोले तुम्हारे दिलों को लपेट में ले लेते हैं। कुरान ने जहन्नम का तस्वर ही बदल दिया कि इंसान को उसका ईंधन है, इसका ईंधन कहीं खारिज से नहीं कि इसमें डाला जाएगा। इंसानों के गलत अमाल ही अपने अपनी जहन्नम का ईंधन होंगे। उखरवी जहन्नम तो वहाँ जाकर मालूम होगा लेकिन दुनियावी जहन्नम तो हमारे सामने है जिसमें सारी दुनिया चल रही है लेकिन आपको आग कहीं नजर नहीं आ रही है। हर दिल की कैफियत यह है कि वो आग के शोलों के अंदर लिपटा हुआ है। दुनिया के जहन्नम को महसूस करो तो फिर उखरवी जहन्नम भी समझ में आ जाता है।
आयत नंबर 99। لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون। अगर तुम्हारे माबूद अरबाब इक्तदार किसी कुव्वत के मालिक होते तो दुनिया में तबाही के अजाब शिकस्त में क्यों मुब्तला होते और अब सब हमेशा इसी में रहेंगे। तुम अरबाब इक्तदार को बड़ी कुव्वतों का मालिक समझा करते थे और ये कि ये साहब इक्तदार अपने साथ तुम्हें भी हर खतरे से महफूज रखेंगे। आज तुम्हें ये शिकस्त का अजाब मिला है जिसमें तुम और तुम्हारे साहब इक्तदार गिरफ्तार हैं। अगर अपनी रविश न बदली तो तुम हमेशा इस अजाब में रहोगे इस दुनिया में भी, क्योंकि अब तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती और उखरवी जिंदगी में भी। आयत नंबर 100। लहुम फीहा ज़फीरुन वहुम फीहा ला यस्मऊन। इस तबाही में उनकी चीखो पुकार इस कदर शदीद होगी कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। इस तबाही और बर्बादी और अफरा तफरी के अंदर इतना शोर उठेगा और इतनी बहाई मचेगी कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। देखा अपने जंगों का कैसा नक्शा खींचा गया है और जंग की क्या कैफियत थी। बातिल निजाम के नतीजे जब भी महसूस शक्ल में सामने आएंगे तो यही कैफियत होगी, यही नफसा नफसी का आलम होगा। किसी को किसी की आवाज की परवाह न होगी। आयत नंबर 101। अलबत्ता जो लोग अपने आमाल की बदौलत हुस्न काराना अंदाज़े जीस के मुस्तहिक करार पा चुके होंगे वो इस अज़ाब से दूर रखे जाएंगे। सबकत सबकत पहल है, इनिशिएटिव है, यानी अमल पहले सरजद होगा और नतीजा बाद में बरामद होगा। नतीजा अमल से पहले कभी नहीं निकला करता, जो कुछ किया होता है उसका नतीजा सामने आता है। कुरान कहता है कि वो इस दिन कहेगा ऐ काश मैं पहले से अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेज चुका होता जो आज मुझे जिंदगी अता कर देता। सूरह 99 आयत नंबर 24। कद्दमत मा कद्दमा और मा सबका कुरान ही के अल्फाज हैं और ये बताते हैं कि सब कुछ इंसान के अमाल का नतीजा होता है। हर शख्स जो आज अपने कल के लिए कर रहा है उसे हमेशा इस पर निगाह रखनी चाहिए कि वो आज आने वाले कल के लिए कर रहा है। यह है जिसे कद्दमत मा कद्दमा और मा सबका कहते हैं। पहले लिखा हुआ या पहले तय हुआ कुछ नहीं होता। जबरियत डिटरमिनिज्म यानी वल कदरे खैरे व शर्रे ही मिन अल्लाह ताला का अकीदा गलत है। ये अकीदा इंसान को हैवानी सतह पर रखता है, इबलीसियत मायूसी की सतह पर रखता है। आयत नंबर 102। ला यस्मऊन हसीसा वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। वो खुशगवार जिंदगी के मुस्तहक अजाब की आहट तक भी न सुन पाएंगे। सूरह 19 आयत नंबर 71। उनकी तमाम दिली आरजुएं पूरी होंगी और वो इस कैफियत में सरशार रहेंगे। हक बातल की जंग में मुखालिफीन का जो अंजाम होता है कुरान उसको भी जहन्नम कहता है। खुदा के अहकाम और कवानीन के मुताबिक जो खुशगवार मुआशरा कायम हो जाता है उसकी खुशगवारियों की वजह से उसे जन्नत और कवानीन से हटकर जिंदगी बसर करने थे। जिन नाखुशगवारियों का सामना करना पड़ता है मसलन जंग में मुखालिफीन का अंजाम उसे जहन्नम से ताबीर किया गया है। ये इसी दुनिया का जहन्नम और जन्नत है, उसके बाद जिंदगी मुसलसल चलती है। अगली जिंदगी की जन्नत और जहन्नम पर हमारा ईमान है, लेकिन कुरान यहाँ अकवाम के आमाल के नताइज इस दुनिया में भी सामने लाता है। गलत निजाम का अंजाम तबाही और बर्बादी होता है और उसी को जहन्नम कहते हैं, और सही निजाम कायम हो तो इसमें इंसानियत को बालीदगी हासिल होती है और ये दुनिया की जन्नत कहलाती है। ये तस्वर गलत है कि मुजरिम कुछ दिन सजा भुगतने के लिए जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे और फिर सजा भुगतने के बाद उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फैसला एक ही दफा होगा, जो जन्नती है वो जन्नती रहेगा और जो जहन्नमी है वो जहन्नमी रहेगा। जिंदगी नफस वाहिदा से इत्तका करती हुई आगे बढ़ी है। जिस नौ में आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा ना हुई वो उसी नौ में रुककर अमले तौलीद री प्रोक्रिएशन करने लगी, और जो नौ आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर इस्तेदाद पैदा कर लेती थी वो इस्तका की अगली मंजिल में चली जाती थी। तबई जिंदगी के इस्तका का मरहला मकाम आदमीयत पर पहुँच कर तकमील को पहुँचा और जिंदगियों की मुख्तलिफ शाखों में से इंसान उसका मुस्तहिक ठहरा कि इसको मजीद इर्तकाई मुनाजिल तय करने के लिए गैर मरई जात अता की जाए। जात का अता किया जाना इस बात की अलामत था कि तबई जिंदगी का इर्तका मुकम्मल हो गया है। अब इर्तका इंसानी जात में होना मकसूद पाया, इसीलिए इंसान के तबई जिस्म का वलीम फरीजा कुरान करीम जात की नशो नुमा बताता है। चूंकि इंसानी जात कायनात की शय नहीं है
इसलिए इसकी नशोनुमा के लिए हिदायत डायरेक्शन भी कायनात से बाहर से यानी आलम अमर से अता की है ताकि उनकी रहनुमाई में इंसानी जात जिंदगी के अगले मराहल तय करने के काबिल हो जाए। आयत नंबर 103। لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون। इस इनकलाब की शदीद तरीन होलनाकी भी उन्हें खुशगवार जिंदगी के हामलीन को हरासा न कर सकेगी। कायनात की तमाम तामीरी कुवतें उनकी रफीके कार होंगी और उनसे कहा जाएगा कि यह है वो दौर जिसका तुमसे वादा किया जाता था कि वो आकर रहेगा। सूरह 27 आयत नंबर 99। अल फज़ुल अकबर सूरह 21 आयत नंबर 103। बहुत बड़े हादसा को कहते हैं। नशो नुमायाफ्ता जात को ना कोई खौफ होगा और ना किसी किस्म का हुज़्न होगा। सूरह 2 आयत नंबर 38। और ना ही उनको अल फज़ुल अकबर जैसी कैफियत में किसी किस्म का खौफ हुज़्न होगा। जिंदगी के हवादिस तो एक तरफ यहाँ तक के सबसे बड़ा हादसा मौत है, इससे भी किसी किस्म की घबराहट नहीं होगी। मोमिन के लिए मौत का हादसा बायस मसर्रत होता है क्योंकि उसके बाद उसने मौजूदा जिंदगी से बेहतर जिंदगी की तरफ मुंतकिल होना होता है। उस दौर में उनके बड़े बड़े लोग जो आज इस तरह बुलंदियों पर हैं, को यूं लपेट कर रख दिया जाएगा जिस तरह बही खाते को हसाब हो चुकने के बाद लपेट कर रख दिया जाता है। और जिस तरह इंसानियत दौरे अव्वल में थी, मुआशरा इस दुनिया में फिर उसी हालत की तरफ लौट आएगा जिसमें नौए इंसानी उम्मत वाहदा थी और रिज़्क़ की फरावानी थी। सूरह 2 आयत नंबर 213। सूरह 10 आयत नंबर 19। यह हमारा वादा है जिसे पूरा होकर रहना है। खुदा के तख्लीकी प्रोग्राम में कोई गलती नहीं रह जाती कि उसे इआदा करने की जरूरत पेश आए। आयत के मुरवजा मानी ये किए जाते हैं कि उस दिन का ख्याल करो जिस दिन हम आसमान को लपेट लेंगे जिस तरह तूमार में औराद को लपेटते हैं। जिस तरह हमने पहली खलकत का आगाज किया इसी तरह हम उस दिन का इआदा करेंगे। ये हम पर एक हतमी वादा है, बेशक हम ये करके रहेंगे। इस तर्जमे की रूह से कहा जाता है कि जैसा पहले हमने सिलसिला कायनात शुरू किया था उसे फिर से शुरू कर देंगे और जब फिर ये ऐसे हो जाएगा तो फिर फना कर देंगे और उसके बाद हम उसे फिर शुरू कर देंगे। ऐसा करना खुदा को जेब नहीं देता। कुरान कहता है कि खुदा ने ये कायनात बिलहक पैदा की है। बिलहक पैदा करदा शय के मतलब तो ये नहीं है कि फिर इसमें थोड़ा सा तजुर्बा करने के बाद माजल्ला ये देखा जाए कि ओहो इसमें तो गलती रह गई है, इसलिए फिर वो किया जाए जैसे स्लेट पर बच्चा लिखने को मिटा दिया करता है, यानी गलत सवाल को मिटाकर फिर से हिसाब का सवाल शुरू कर दिया। ये बात गलत नहीं है, ये कायनात बिलहक तख्लीक की गई है। ठीक है इसका कायनात की अब्दियत तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि इसमें माजल्ला गलती रह गई थी। इसको मिटाओ फिर नए सिरे से हिसाब शुरू करो। देखा जाए तो खुदा की कुदरत से ये कुछ भी बाइक नहीं है कि वो फिर से यही सिलसिला कायनात पैदा करे, लेकिन बात समझ में नहीं आती कि अगर उसे ही पैदा करना है तो इस कायनात ही को क्यों ना जारी रखा जाए। अगर इसमें किसी इसलाह की गुंजाइश है तो इसलाह कर दी जाए, लेकिन इस सारे सिलसिले को तहस नहस करके खत्म करके फना करके रेजा रेजा करके दोबारा तख्लीक करने के क्या मानी। आयत के लुगवी मानी में हमारे लिए कोई सबक नहीं, हमारा ताल्लुक तो मजाजी मानी से ही बनता है। अगर इस किस्म की आयात का ताल्लुक मरने के बाद की जिंदगी से समझा जाए तो फिर इनमें तबई कायनात के जेरो जबर हो जाने की तरफ इशारा होगा जिसके बाद तखलीक के एक नए दौर का आगाज होगा। मौत के बाद नए दौर की तखलीक को या उसके आगाज को हम अपने दुनियावी शऊर की सतह पर नहीं समझ सकते। इस मफहूम के साथ ये आयत एक अजीम हकीकत को सामने लाती है कि तबई हादसा के बाद तखलीक कायनात का असर नौ आगाज होगा जिस पहले हुआ था। समा के लुगवी मानी तो बुलंदी के हैं, इसमें अजरामे फलकी आ जाते हैं। इसके अलावा समा के मजाजी मानी में इंसान की रफातें बुलंदियां और सरफराजियां भी आ जाती हैं। इसी तरह जिबाल के लुगवी मानी पहाड़ हैं, लेकिन कुरान करीम ने मजाजी तौर पर बड़े बड़े तुर्राबाजों को भी जिबाल कहा है क्योंकि उनकी मुआशी और समाजी जिंदगियां पहाड़ों की तरह मुस्तहकम होती हैं। जब ये कहा जाए कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते नजर आएंगे तो हकीकी या लुगवी मानी ये होंगे कि पत्थर के मिट्टी के ये पहाड़ रुई गालों
की तरह बन जाएंगे, लेकिन अगर जुबान के मजाजी मानी लिए जाएं तो जो अरबों के यहाँ इस्तेमाल करना बड़ी आम सी चीज थी, तो मजाजी एतबार से उसके मानी होंगे कि ये जो आज इस तरह से इंसानों की तमदनी माशरती मुआशी जिंदगी में पहाड़ों की तरह जमे हुए खड़े हैं, ये जो सरदाराने कौम है उनके परखच्चे उड़ जाएंगे, हल्के होकर अपने मकामात से हिल जाएंगे। अगर रुगवी मानी लिए जाए तो फिर मफहूम होगा कि अजरामे फलकी फट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद नहीं होंगे, इसलिए हमारी जिंदगी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इसमें हमारे लिए कोई सबक है। ये कुर्रे, ये कायनात, ये अजरामे फलकी, ये अर्ज नहीं रहेंगे, फट जाएंगे, तो उस जमाने के इंसान भी तबाह हो जाएंगे। हमें इससे क्या वास्ता कि हम तो उस वक्त होंगे नहीं, तो हमें आज किसी जमाने में वाकई होने वाले वाकया से कुछ सबक नहीं मिलता, इसलिए मजाजी मानी ज्यादा मौजू है। अगर कुरान तबई हवादस की तरफ इशारा कर रहा है तो हमारा ईमान है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इससे कोई सबक नहीं मिलता, इबरत नहीं मिलती, हमारे लिए इसमें कोई तालीम नहीं है। हमारे लिए तो ये हवादस इसी सूरत में तालीम बनेंगे जब इन आयात के मजाजी मानी लिए जाएं, जैसा कि अरब लेते थे। फिर सियाक व सबाक में रखकर देखिए जिसमें ये आयात आ रही है, तो फिर समझ में आ जाती है कि देखना होगा कि हक व बातिल की बाहमी कश्मकश क्या थी और क्यों थी, दायाने इंकलाब क्या चीज पेश किया करते थे, उनकी मुखालिफत कौन सा तबका किया करता था, गलत और सही निजाम का टकराव कैसा होता था, और इस टकराव के आखिर में अगर ये कहा जाए कि तुम देखोगे ये पहाड़ ये सरदार उड़ जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, तो बात समझ में आ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जमायत मोमिनीन का बातिल ग्रोह से इतना बड़ा टकराव हो रहा था, तो कुरान इस मजाहमत और तसादम का अंजाम बता रहा है कि आज तो तुम्हें ये सरदार इस कदर पहाड़ों की तरह जमे हुए नजर आ रहे हैं, उनके तुर्रे आसमानों की तरफ फजा की बुलंदियों में उठे हुए हैं। तुम देखोगे कि जमायत मोमिनीन के साथ टकराव के बाद उनके परखच्चे कैसे उड़ते हैं, ये रुई के गालों की तरह हल्के होकर रेजा रेजा हो जाएंगे। ये बात भी पेशे नजर रहे कि बाहमी तसादम और कश्मकश के इब्तदाई दौर में उनको वार्निंग देते हुए कहा जा रहा है कि तबाह बर्बाद हो जाओगे, बसीरत इस तरफ रहनुमाई कर रही है कि ऐसे मकामात पर मजाजी मानी लिए जाए, क्योंकि जिस सियाक व सबाक में जो चीज तसलसल से चली आ रही है इसमें यही मानी मुनासिब है। खुदा का जमायत मोमिनीन के मुखालफीन के साथ तसादम के सिलसिला में ये कहना कि ये सूरज मान पड़ जाएगा और चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और उसके बाद कहा देखा कौमों का अंजाम कैसे हुआ, तो आप देखते हैं कि दरमियान में ये टुकड़ा देखा के कौमों का अंजाम कैसे हुआ कुछ बेजोड़ सा नजर आता है, जबकि सारे कुरान में तो रबत बाहमी है। कहा कि इस कश्मकश के अंदर तुम देखोगे कि मुखालफत करने वाले किस तरह जहन्नम के अजाब में मुब्तला होते हैं और सही निजाम को कायम करने वाले किस कदर जिंदगी की खुशगवारियों से फायदा उठाते हैं। अंजामकार तुम देखोगे कि ये इतने बड़े बड़े पहाड़ों जैसे ये सरदार जो समझते हैं कि हमें कौन हिला सकता है, वो अपने मकाम से हिलना तो रहा एक तरफ, ये आसमान की बुलंदियों पर उड़ने वाले रेजा रेजा हो जाएंगे। अब देखिए वो आयत जिसने कहा कि जिस तरह किसी का हिसाब किताब करने के बाद उसका बही खाता लपेट के रख दिया जाता है, यूं उनका खात्मा हो जाता है। ये जो आज आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हुए नजर आते हैं, इसके बाद तुम देखोगे कि इन्हें किस तरह रद्दी के कागज की तरह लपेट के एक तरफ फेंक दिया जाएगा, और उसके बाद है जो तखलीके इंसानी रोजे अव्वल में थी, मुआशरा फिर उसी हालत की तरफ लौट आएगा। सूरह इकीस आयत नंबर 104, जिसमें नवाए इंसानी उम्मत वाहदा थी और इंसानों के लिए रिज की आम फरावानी थी। सूरह 2 आयत नंबर 213, सूरह 10 आयत नंबर 19। मुख्तलिफ खुद साख्ता तजारब की नाकामी के बाद इंसान का अगला कदम कुरानी निजाम से करीब तर होता चला जाता है। कमा बदाना अव्वला खल्किन नुईदुहू, सूरह 21 आयत नंबर 104। दरअसल यहाँ कुरान ने इंसानों के बातिल निजामों के मुतल्लिक बड़ी अजीब चीज कही है। इंसान मुख्तलिफ तजारब के बाद अपने गलत और खुद साख्ता निजाम को तजर्बे के बाद जब आजमाता तो हर जमाने के बाद उसका फैसला सही निजाम या कुरान के सही निजाम के करीब तर होता चला जाता है। ये है तजर्बाती तरीका। दूसरा ये तरीका है की दायाने इनकलाब इस्लाम की एक जमायत उठे और अपने कुव्वत बाजू से मुखालफ कुव्वतों को शिकस्त देकर सही निजाम कायम कर दे। ये इनकलाब बहुत जल्दी आ जाता है, चंद दिनों महीनों में आ जाता है, और अगर दायाने इनकलाब इस्लाम की जमायत न हो तो फिर वो है जिसे कहते हैं कि जमाने के तकाजों पर छोड़ दिया जाता है। इंसान की उम्मत वाहिदा की जिंदगी की कैफियत ये थी कि इसमें इंसान को किसी किस्म की मशक्कतें नहीं उठाना पड़ती थी। सूरह बीस आयत नंबर 117, ये आदम की जन्नत थी। फिर इंसान की जिंदगी इज्तमाई से इनफरादी हुई और मफाद परस्तियों ने उनके दिलों में तरह तरह के ख्याल पैदा करने शुरू कर दिए। सूरह बीस आयत नंबर 120, मफाद परस्ती की वजह से आपस में इख्तलाफात पैदा हुए। सूरह 10
आयत नंबर 19, जिसके नतीजे में इंसानों का इत्तेहाद टुकड़े टुकड़े हो गया और इंसान ग्रोहों में फिरकों में बट गए। अब इंसानों से उनका बुलंद मकसद निगाहों से ओझल हो गया था। चुनांचे इस बात के दौर के लिए कुरान कहता है कि कशमकश हक व बातल इसी तरह जारी रहेगी। गलत निजाम मिटते जाएंगे और सही निजाम एक कदम और आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि ये बड़े बड़े सरदार जो आसमान की बुलंदियों पर अपने आप को समझते हैं वही खाते की तरह लपेट कर रख दिए जाएंगे और उसके बाद आखिरकार इंसान की कैफियत इसी तरह मसावात आदम किसी हो जाएगी जो तखलीक इंसानी के दौरे अव्वल में थी। तुराई की आयत नंबर 104। इंसान अपनी तमदनी जिंदगी के आगाज में इसी जमीन पर जन्नत में रहता था। इनमें कोई बाहमी इख्तलाफ न था और न ही जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए मशक्कतें उठाता था। कुआं खोदना भी नहीं पड़ता था, पानी साफो शफाफ चश्मों से मिलता था। मजाजी मफहूम की ताइद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक हदीस हज्जतुल विदा के मौका पर एक खुतबा फरमाया था। उस वक्त तक सारी कशमकश खत्म हो चुकी थी, बातिल निजाम खत्म हो गया था। जिबाल और पहाड़ सरदार जो आसमान की बुलंदियों पर अपने आप को समझ रहे थे उनको लपेट के रख दिया गया था। वो रेजा रेजा हो चुके थे, अपने मकाम से सरक गए थे और निजाम हक कायम हो गया था। इस दुनिया में जन्नत की जिंदगी मयसर आ गई थी। हज्जतुल विदा के खुतबे का आखिरी फिकरा बड़ा ही अजीम है, जिसमे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ये है कि सुन लो, जमाना गर्दश करते करते आज फिर वही आ पहुँचा है जहाँ से उसकी इब्तदा हुई थी। यानी जमाना गर्दशें करता करता आज फिर उस मकाम पर आ गया है जहाँ उस दिन था जब तखलीक अर्ज़-ओ-समा हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर फरदौसे गुमगश्ता की बाजियाबी का दौर था। ये मंसूब हदीस तो हीरे की तरह चमक कर पुकार कर कह रही है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ही का मफहूम है। कहा कि ऐ नौए इंसानी, आज जमाना गर्दिशें करता करता फिर वही आ गया है जहाँ से इसका आगाज हुआ था। और यही बात कुरान करीम ने इस आयत में सूरह 21 आयत 104 में कही है कि जमाना घूम फिर कर वही आएगा जहाँ से उसकी इब्तदा हुई थी और कहा कि ये हमारा वादा है, ये हम करके रहेंगे। इस किस्म की आयात का मफहूम सियाक व सबाक को पेश नजर रखने ही से समझ में आता है। जब तक इंसान की मफाद परस्तियों ने सर न उठाया था तो इंसान कायनाती निजाम से हम आहंग जिंदगी बसर कर रहा था और ये उसकी जन्नत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक थोड़े से इलाके ही में से ही इंसानी जिंदगी फिर से कायनात से हम आहंग हो गई थी। तो उसको कहा कि जैसे जमाना आज फिर उस मकाम पर आ गया है जहाँ उस दिन था जब तखलीक अर्ज़-ओ-समा हुई थी। कुरान का मंशा ये है कि इंसान निजामे कायनात से हम आहंग रहते हुए अपनी जिंदगी बसर करे। कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर करना बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे कायनात की अशिया अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। इस फर्क के साथ कि अशियाए कायनात मजबूर हैं, जबकि इंसान अपने इख्तियारों इरादे के साथ कायनात से हम आहंग जिंदगी बसर करेगा। खुदा ने इंसान को मायूस होने से बचाने के लिए कहा कि ऐसा जरूर होगा, ये हमारा वादा है। आयत नंबर 105। وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور ہم نے ہر کتاب وحی میں متعلقہ امور کو سامنے لانے کے بعد بطور ایک اساسی قانون کے لکھ دیا تھا کہ ارض نظام مملکت و حکومت اور وسائل پیداوار کے حقیقی وارث وہی لوگ ہوں گے جن میں ان امور کی صلاحیت ہوگی اور جو ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے۔ الزبور اور الصالحون کا مفہوم الزبور زبور ویسے تو اس صحیفے کو بھی کہتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ عام معنی زبر ہر آسمانی کتاب کو کہتے ہیں، یعنی یہ لکھ دیا گیا تھا کہ استخلاف فی الارض خدا کے ان بندوں کو ملے گا جو صالحون ہوں گے۔ الصالحون کا مادہ سواد لام ہے، صالحون کے معنی ہیں وہ جن کی جسمانی و ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو چکی ہو۔ یہ صلاحیتیں قوانین خداوندی کے مطابق اعمال صالح کرنے سے نشو و نما پاتی ہیں۔ جس قوم میں استخلاف فی الارض کی صلاحیت ہوتی ہے اسے یہ نعمت مل سکتی ہے، اور پھر ملنے کے بعد بھی جو قوم اعمال صالح کی صلاحیت کھو دیتی ہے تو پھر یہ عطیہ چھن بھی جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس قوم میں صلاحیت ہو۔ پہلی چیز تو خود انسانوں کی طبعی اور مادی قوتیں ہیں۔ قرآن تندرست اور توانا بچے کو بھی صالح کہتا ہے۔ کسی کی بیماری کے بعد اس کا علاج کرنے کے بعد جو تندرست ہو جاتا ہے وہ اسے بھی اصلحہ کہتا ہے۔ صلح کے معنی ہوتے ہیں تمام قوتوں کے اعتدال کو لیے ہوئے۔
कायम होना और फिर हर एतबार से इसका तंदुरुस्त तवाना होना, यानी ये सलाहियतें और कुव्वतें भरपूर और सही तनासब प्रोपोर्शन को लिए हुए हों। फितरत का कानून चला आ रहा है कि जिंदा वही रहता है जिसमें जिंदा रहने की कुव्वत होती है और आगे वही बढ़ता है जिसमें आगे बढ़ने की सलाहियत होती है। जहाँ ये कुव्वत खत्म होती है वहीं वो कौम रुक जाती है और रुकने के बाद वो तबाह फना हो जाती है, आगे नहीं बढ़ सकती, अपने मकाम पर नहीं ठहर सकती। सलाहियत तो काफिर और मोमिन दोनों में हो सकती है, लेकिन मोमिन की सलाहियत यह है कि न सिर्फ उसकी खुद अपनी जिंदगी संवर जाए बल्कि उसके आमाल से उसके आस पास मुआशरा भी संवर जाए, और ये होता है कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करने से। मजहब और रूहानियत के फरेब ने ये कोशिश की कि कौम में कुव्वत न आने पाए, कौम में जोफो इंतसारी हो। खुदा के मकर बंदों की खूसियत जोफो इंतसारी बताई जाती है। नातवाली, बेकसी, बेबसी, मजबूरी, जोफ, गरीबी, ये सारी जितनी भी दुनिया की लानतें हैं इकट्ठी की जाए तो तब जाकर मुकर्रब बारगाह खुदाबंदी बनता है। जितने भी खुदा तक पहुँचे हुए बड़े बड़े औलिया इकराम हैं, आप उनकी जिंदगियां देख लीजिए, फटे हुए कपड़े, खाने को कुछ नहीं, जज़मुर्दा रूह रो रहे हैं, चीख रहे हैं, झोंपड़ियों में रह रहे हैं, कभी झोंपड़ी भी नसीब नहीं होती। ये है अल्लाह वालों की निशानियाँ। अंदाजा लगाइए, वरासत अर्ज के लिए तो पहली शर्त ही सलाहियत है, ताकि ज़ोफ़ो नातवानी का किस्सा ही खत्म हो जाए। आयत नंबर 106। यकीनन ये असासी कानून हयात हर उस कौम के लिए अपने अंदर आगाही रखता है जो हमारे कवानीन के ताबे जिंदगी बसर करती है कि वरासत अर्ज के लिए सलाहियत और कवानीन खुदावंदी की अतात शर्त है। ला बलागन यानी बलीग या बलाग, इसके मानी है पहुंचना या पहुंचाना। हम तो इसका इस्तेमाल जराए बलाग यानी रेडियो, टेलीविजन वगैरह के लिए ही करते हैं। कुरान के बलाग के मानी है मंजिल तक पहुँचना, यानी जो कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं उनके मंजिल तक पहुँचने की निशानी है। आयत नंबर 107। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन, और हमने तुमको बस तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रहमतन लिलआलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तमाम आलमीन के लिए रहमत है। दूसरी जगह फरमाया कि हर किसी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रहमत नहीं है बल्कि वा रहमतन लिल्लजीना आमनू मिनकुम, सूरह 9 आयत नंबर 61, उनके लिए रहमत है जो उसकी सदाकत पर ईमान लाए। तो अब यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत उनके लिए कहा है जो उसकी सदाकत पर ईमान लाए। बात तो ठीक है, दीन अल्लाह ना तो कौमी है, ना नस्ली है, ना जुग्राफियाई है, ये तो तमाम नौए इंसानी के लिए खुला हुआ है। पूरी इंसानियत में से जो कुरान की सदाकतों पर और रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए उनके लिए रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन जाएगी। आसमान से बरसने वाली बारिश को भी रहमत कहते हैं, लेकिन ये उस किसान के लिए रहमत है जिसने अपनी जमीन को रहमत को जज्ब करने के लिए तैयार किया हुआ है। बंजर जमीन पर भी बारिश बरसती है, बारिश यह फैसला नहीं करती कि मुझे किस जमीन पर बरसना है, वो तो सब जगहों पर बरसती है। बारिश उसी जमीन के लिए रहमत बनती है जिसको तैयार किया गया था, इसमें बीज डाल दिया गया था। आयत नंबर 108। قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ। इनसे कह दो कि जो वही मुझे मिलती है उसका पैगाम तो यह है कि इक्तदार और इख्तियार के मालिक सिर्फ एक खुदा की जात है। उनसे पूछो कि क्या तुम उसके ज़ाब्ता कवानीन के सामने सर तस्लीम खम करते हो या नहीं। आयत नंबर 109। अगर वो वही के पैगाम से रूगर्दानी करें तो उनसे कह दो कि मानो या न मानो, मैंने तुम्हें सही और गलत रवैश से यकसा तौर पर आगाह कर दिया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो तबाहकुन इंकलाब की घड़ी जिसके मतलब तुमसे कहा जा रहा है जल्द आ जाएगी या बदेर, लेकिन वो आएगी जरूर। अला सवाए तुराई की आयत नंबर 109। मैंने हर एक तक ये बात यकसा पहुँचा दी है, क्योंकि ये जो मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ वो तो रहमत है, वो बारिश भी रहमत है जो सब जमीनों पर यकसा बरसती है। आयत नंबर 110। इन्नहु यअलमुल जहर मिनल कौल वयअलमु मा तक्तुमून। बेशक खुदा का कानून मकाफात जानता है तुम्हारी खुली बात को भी और उस बात को भी जिसको तुम दिल में छुपाते हो। आयत नंबर 111।
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ अगर ज़ुहूर नताइज में कुछ देर है तो मुझे इसका इल्म नहीं कि ये ताखीर तुम्हारे लिए मजीद मुसीबत का मौजब बन जाएगी या इससे सिर्फ इतना ही मकसूद है कि तुम कुछ वक्त के लिए मताए जिंदगी से और फायदा उठा लो। आयत नंबर 112। उसने वक्त के रसूल ने कवानीन खुदावंदी पहुंचाने के बाद अर्ज की कि आए हमारे रब, अब तू मुझ में और इन लोगों में हक के साथ फैसला कर दे। इस दुआ के बाद कौम से कहा कि हमारा नशो नुमा देने वाला खुदाए रहमान ही है, हम इससे इस अमर की तौफीक तलब करते हैं कि वो हमारी सलाहियतों को ऐसी भरपूर नशो नुमा अता कर दे जिससे हम तेरे मुखालिफीन की खुदसाख्ता बातों का अच्छी तरह मुकाबला करने के काबिल हो जाए। सदकल्लाहुल अजीम। यहाँ सूरतुल अंबिया इख्तिताम पज़ीर होती है। शुक्रिया।